नमस्कार, मैं वजी ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस प्रेजेंटेशन में, इस सेशन में हम लॉन्च कर रहे हैं एसएससी सीजीएल जॉब शोर टायर 4 प्रोग्राम। सीपीटी और डीईएसटी ऑनलाइन बैच होगा, ये 1 दिसंबर से ये स्टार्ट हो रहा है। जैसा आप जानते हैं कि अभी 18 दिसंबर से जो टायर 4 है, सीपीटी डीएसटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वो वाला प्रोग्राम हो रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि ऑल इंडिया लेवल पे एसएससी है इस बार। पहले रीजनल ऑफिस थे, अलग अलग काफ़ी दिनों तक चलता था, लेकिन इस बार 18-19 तारीख को। तो ये बहुत कम ड्यूरेशन के अंदर, और ये जो टिपिकली ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है, टाइपिंग टेस्ट भी क्या होगा कि वहाँ पे आपको कोई पेज नहीं मिलने वाला। पहले क्या होता था कि आपको एक पेपर दिया जाता था, सामने देख कर आप लिखते थे। इस बार आपकी स्क्रीन पे होगा, आपको वहीं पे टाइप करना है। तो थोड़ा सा डिफरेंट है, आप वो ज़रूर देख सकते हैं एसएससी की वेबसाइट पे जाकर क्या है इसमें। लेकिन ये इसकी तैयारी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है कि आमतौर पर स्टूडेंट क्या करते हैं, टायर 1 टायर 2 तक बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो उसके बाद क्या है, जो राइटिंग स्किल्स होती है उसकी तैयारी नहीं करते, और कोई भी एग्जाम में टॉपिक आ जाता है तो उसमें वो फंबल हो जाते हैं। उनको लगता है टॉपिक रट लेना चाहिए, 2-4 उसी से आ जाना चाहिए, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। आपको राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होगी तो कोई भी टॉपिक पे आप लिख देंगे। दूसरा ऐसा ही क्या है कि टाइपिंग स्किल्स होती है। टाइपिंग है, आप कुछ दिनों में या बहुत कम समय में, 2-4 दिन में आप नहीं सीख पाएंगे, इसके लिए एक लंबा प्रोसेस होता है। तो हो सकता है आपको काफ़ी टाइपिंग आती भी हो, और आपको पावर पॉइंट है, एक्सेल है, वो भी आता हो, जैसे एसएससी की रिक्वायरमेंट है। बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ क्वालिफाइंग है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें भी फेल होते हैं, मतलब कि वो क्वालिफाइंग ही नहीं कर पाते। तो इसलिए कम से कम इस स्टेज पे आकर कोई बच्चा अगर डिसक्वालीफाई होता है, वो इतना स्कोर नहीं कर पाता जितनी क्वालिफाइंग कंडीशन है, तो उससे बड़ी बुरी बात नहीं होगी। इसलिए आपका फोकस क्या होना चाहिए आज के टाइम में, जिनका कि टाइपिंग टेस्ट और सीपीटी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उन लोगों के लिए टायर 4 पे पूरा फोकस कर देना चाहिए अगले जो दिन बचे हुए 15-20 दिन, उस दौरान इस बात की पूरी संभावना होगी। अगर आप राइट ढंग से तैयारी करते हैं तो आपका 100% क्वालिफाइंग हो जाएगा, और आप जो 50% के आसपास जो है उससे वंचित हो सकते थे, कहीं ना कहीं आप उससे वंचित नहीं होंगे। और जो आपकी मनपसंद जॉब है या मनपसंद लोकेशन है, वो आपको मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इसलिए अगर आप प्रोफेशनल गाइडेंस लेना चाहते हैं, प्रोफेशनल कोर्स लेना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये बहुत यूनिक कोर्स है पिनेकल का, वो आपको ज्वाइन करना चाहिए। पिनेकल के बहुत यूनिक कोर्स होते हैं, टायर 3 टायर 4, या इसके अलावा भी टेस्ट सीरीज वगैरह, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, कंटेंट डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, तो इसका फ़ायदा पूरा उठा सकते हैं। ठीक है, ये आपको नोटिफिकेशन, आप जानते होंगे कि इस नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि 18, 12 और 19, 12 18 दिसंबर 19 दिसंबर को एसएससी सीजीएल ग्रेजुएशन लेवल एग्जामिनेशन 2018, उनका एग्जाम होने वाला है। आपके लिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट भी है कि जिन बच्चों ने अभी 2019 का दिया है टायर 3 टायर 2, और जिनका एक अच्छा स्कोर आ रहा है, डेफिनेटली अभी से उनको इसकी स्किल टेस्ट की तैयारी कर लेनी चाहिए, और ये बैच वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। हाईली रिकमेंडेड कि उनको ये बैच ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि टायर 3 टायर 4 में आकर कम से कम आप बाहर नहीं होने चाहिए, ये बहुत ही बुरी बात होगी। और बहुत सारे बच्चे पहले गंभीरता से नहीं लेते, और फिर क्या, या एसएससी को गालियां देते हैं, कोचिंग सेंटरों को गालियां देते हैं, टीचरों को गालियां देते हैं, अपने आप को गालियां देते हैं, पेरेंट्स को गालियां देते हैं, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपके पास टाइम है, अगर 1 घंटा 2 घंटा भी लगाएंगे आप, मैं उन लोगों उन स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ कि जो टायर 2 टायर 3 का भी एग्जाम दिया है, उनकी आंसर की आई है, उनको 1-2 घंटा लगाने से काम चल सकता है। लेकिन जिनका अभी जो 2018 वाले हैं, उनको थोड़ा ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा, क्योंकि टाइपिंग लगातार प्रैक्टिस होनी चाहिए, अलग अलग टाइप के कीबोर्ड पे भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। कीबोर्ड इसलिए सिग्निफिकेंट हो जाता है कि हर बंदे का एक हाथ सेट होता है। अगर आपको कोई दूसरा कीबोर्ड मिलता है, थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, कोई की का बटन दबाई नहीं दबेगा, इस तरह की दिक्कतें आती है, और ये आपके लिए फिर आप बोलेंगे मेरा लक था। लक से ज़्यादा आपने कोशिश नहीं की स्टार्टिंग में, ये ज़्यादा प्रॉब्लम थी। लक भी हो सकता है, लेकिन ये जो कोशिश वाला फंडा है कि आपने 3-4 जो कीबोर्ड होते हैं लैपटॉप और उसके साथ डेस्कटॉप के साथ में अटैच करके आपने ठीक ढंग से तैयारी नहीं की। ऐसे ही क्या होता है कि जो पावर पॉइंट है और एक्सेल है, उस पर जैसे एग्जाम में आता है, आपको पेपर चेक करवाने चाहिए, जैसे टायर 3 पे करवाते हैं, वैसे हम लोगों का जो प्रोग्राम है उसमें हम पेपर एवेल्युएट करते हैं। हम आपको लाइव टेस्ट देते हैं, लाइव टेस्ट में आपको इमीडिएटली लिखना होता है, लिखने के बाद में आप हमारे पास वो टेस्ट भेजते हैं, पावर पॉइंट और एक्सेल वाला, और जो टाइपिंग होता है उसका इमीडिएटली रिजल्ट आता है, जिससे आपको पता चले आपकी एक्यूरेसी क्या है, कितने आपने डिप्रेशन किए, कितनी
आपकी गलतियाँ थी, कितना आपने टाइप कर पाए, कौन से पैराग्राफ में आप ज़्यादा दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं, क्या आखिरी में ज़्यादा दिक्कत तो नहीं क्रिएट कर रहे, स्पेसिस में ज़्यादा दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं, वर्ड फॉर्मेशन में दिक्कत है, आपको वैसे स्पेलिंग मारने में दिक्कत है जिसकी वजह से फ्लुएंसी नहीं डेवलप हो रही है, तो सारी चीज़ों का सॉफ्टवेयर आपको बता देगा। ऐसे ही जो जब आप पावर पॉइंट और एक्सेल का टेस्ट करते हैं, हम लोग इवेल्युएट करते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि सामने वाला है वो किस नज़र से देख रहा है। हो सकता है अगर आप जब कर रहे हो आपको पता ही नहीं चले कि ये गलती थी, लेकिन जो सामने वाला चेक करता है, जो हज़ारों कॉपियाँ चेक कर चुके हैं एक्सपर्ट है, वो आपको भी बता देंगे कि आपकी ये गलती है। तो इसलिए हमारा जो प्रोग्राम है बहुत ही प्रैक्टिकल है, और इस प्रोग्राम से आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगी। और ये यूनिक प्रोग्राम, आप इस प्रोग्राम को किसी दूसरे प्रोग्राम से साथ कंपेरिजन न करें, न तो हमारे टायर 3 को, न टायर 4 को, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, और ये हमारे यूनिक प्रोग्राम होते हैं, काफ़ी सालों से हम लोग इस पर काम करते हैं। अब देखिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और ये लास्ट एग्जाम है SSC का, अगर आपने इसको क्वालिफाई कर लिया तो इसका मतलब ये है कि आपने जो चारों हर्डल होती है टायर 1, टायर 2, टायर 3 और टायर 4, वो सारी क्वालिफाई कर ली। 32,000 कैंडिडेट है इस लाइन में अभी भी है, जिसको कि 10,000 जो वैकेंसी होती है उस जॉब के लिए फाइट करेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि अभी भी बहुत सारी संभावना ये है कि 3 में से 1 कैंडिडेट जब सिलेक्ट होगा तो 2 तो बाहर होंगे, वो काफी ज्यादा पेनफुल सिचुएशन होगी, और उनमें से वो भी बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जिनका कि गंभीरता से न लेना CPT और DST को उनको भारी पड़ेगा, वो भी स्टूडेंट होंगे, भले ही उसने कितना अच्छा स्कोर कर लिया और टायर 1, टायर 2, टायर 3 को मिला गया। तो इसलिए इसको नजरअंदाज न करें, और जो प्रेफर्ड जॉब या डिजायर्ड जॉब या ड्रीम जॉब है उससे वंचित ना हो, ये इंपॉर्टेंट होगा आपकी आउटकम के लिए। इस प्रोग्राम के जो हाईलाइट है, ये ऑनलाइन प्रिपरेशन हम करवाते हैं, एग्जाम की रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए पावर पॉइंट एक्सेल इसके आंसर शीट इवेलुएट करते हैं, आपको टेस्ट होते हैं, 150 टोटल टेस्ट होते हैं, 50 टाइपिंग जो आप इमीडिएटली रिजल्ट भी आता है और बार बार रिपीट कर सकते हैं, PPT और एक्सेल को आप एक बार ही दे सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपको इवेलुएट करवानी चाहिए जिससे कि पता चले कि आपका परफॉर्मेंस क्या आ रही है। और जो टेस्ट होते हैं उसका आंसर शीट भी होती है आपकी, और उसका PDF भी होता है, सोल्यूशन में वीडियो सोल्यूशन भी होता है, जिससे आप वहाँ पे भी देख सकते हैं क्या क्या मैं कर सकता था। और इवेल्युएशन से ये फायदा होता है कि आपको कई बार पता ही नहीं चलता कि मेरी ये गलती थी, तो वो ठीक हो जाती है। टाइपिंग सॉफ्टवेयर है ये 100% आपकी इम्प्रूवमेंट में, परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट लाएगा, स्पीड और एक्यूरेसी आपको बेटर बनाएगा, और सीजल की जो रिक्वायरमेंट है उसी के अनुसार ये सॉफ्टवेयर है डिजाइन किया हुआ है। ये डे वाइज प्रोग्राम होगा, ये बैच है वो 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, इस बैच को आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए, जो 18-19 तारीख को एग्जाम देंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, और जिन्होंने अभी टायर 2 टायर 3 दिया है वो कम से कम है इस दुविधा से बाहर आ जाएंगे कि आगे टायर 4 होना है उसमें कहीं दिक्कत तो ना आ जाए, तो इसलिए उनको भी जरूर जरूर ज्वाइन करना चाहिए, समय है फोकस करने का, इधर उधर की टाइम वेस्ट न कीजिए अब। और अगर आपको ये ज्वाइन करना है तो इमीडिएटली ज्वाइन कर लीजिए, और ज्वाइन कैसे करना, हमारी वेबसाइट पर जाना है SSCCGLPinnacle.com, वहाँ पे आपको नजर आएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ, अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो मोबाइल और व्हाट्सएप पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ईमेल पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे आपको पेमेंट की रिसीट आएगी, लेकिन वो रिसीट या वो ईमेल के अलावा हमारी टीम है मैनुअली आपके सारे क्रेडेंशियल चेक करने के बाद में वो एक ईमेल भेजती है, वहाँ पे एक डैशबोर्ड होता है, सॉफ्टवेयर का लिंक होता है, रजिस्ट्रेशन ID होती है, पासवर्ड होता है, वो वाला यूज़ करना है सॉफ्टवेयर, और कहीं पे आपको हमारी वेबसाइट पे या ऐप पे ये सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा, ये एक इंटरनल मैकेनिज्म है, ठीक है। तो अभी समय है आपका फोकस करने का इस पर। इस प्रेजेंटेशन में इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।